हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टॉपिक आपका फ्रेंड देखिए, वर्ड्सवर्थ का करवाया जाएगा एमसीक्यू, साथ ही साथ द प्रिल्यूड का करवाया जाएगा आपको एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, पीजीटी इंग्लिश टीचर के लिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो फ्रेंड वीडियो को लास्ट तक वॉच देखें, अगर चैनल फर्स्ट टाइम होंगे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके फ्रेंड, देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आप सामने लेके आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, वर्ड्सवर्थ वॉज पॉपुलरली नॉन एज द पोएट ऑफ, क्या जाने जाते हैं? देखिए फ्रेंड्स, ये जाने जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, लेक डिस्ट्रिक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आई बट फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर टू, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए हैं, वीडियो को आखिर तक अवश्य देखेंगे। बढ़ते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर टू की ओर, क्वेश्चन टू की आते हैं। क्वेश्चन टू कहता है रोमांटिक एज इज ऑल्सो नोन एज, देखिए रोमांटिक किसे कहा जाता है, रखिएगा एज ऑफ वर्ड्सवर्थ को रोमांटिक एज कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, वर्ड्सवर्थ का जन्म जो है वो 1770 में हुआ था। अगर बात किया जाए डेथ की तो 7 अप्रैल, डेट कब था, 7 अप्रैल 1770 को कम्बरलैंड कोकरमाउथ इंग्लैंड में विलियम वर्ड्सवर्थ का बॉर्न हुआ था। आइए बढ़ते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है व्हाई इज द ईयर 1790 टेकन टू द बाय द बिगनिंग ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट, ठीक है क्यों हुआ था वो बताना है आपको। ऑप्शन देखिए दिए गए हैं ए बी सी डी में, ध्यान दिए 1798 में आपका बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट हुआ था, लिरिकल बैलेट्स पब्लिश किया गया। ध्यान दिए भाई, दो लोगों ने मिलकर किया था लिरिकल पब्लिश, कॉलरीज एंड वर्ड्सवर्थ ने दोनों साथ में लिरिकल बैलेट्स पब्लिश 1798 में किया था। आइए बढ़ते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका फोर की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर कहता है आफ्टर होम वर्ड्सवर्थ वॉज अपॉइंटेड पोइट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड, किसने कहा था वर्ड्सवर्थ को पोइट लॉरेट, रॉबर्ट साउदी ने कहा था। आइए बढ़ते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका फाइव नंबर की ओर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फाइव कहता है आपका हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ कॉलिंग हिम लॉस्ट रीडर, ठीक है फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर किसने क्रिटिसाइज किया था वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट रीडर के रूप में, ब्राउन, किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। आइए बढ़ते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर। क्वेश्चन सिक्स कहता है आपका वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स, अब देखिए लिरिकल बैलेट पब्लिश किया 1798 में, अब उसको ऐड कब किए थे, आफ्टर टू इयर्स, मतलब 1800 में जो है वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेट्स को ऐड किए थे, ठीक है फ्रेंड्स। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर। क्वेश्चन सेवन कहता है स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड हु इज स्टर्न डॉटर, यहाँ देखिए बताना फर्स्ट डॉटर यहाँ पे कौन है वो आपको यहाँ पे आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर देखिए फ्रेंड्स आपका यहाँ पे ड्यूटी है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट की, क्वेश्चन नंबर एट का आता है देखिए फ्रेंड्स आपका वर्ड्सवर्थ रॉट इज सोनेट लंदन 1802 ऑन, 1802 जो है डिपेंड किस पर करता है, देखिए करता है मिल्टन, किस पर करता है देखिए फ्रेंड्स आपका मिल्टन पे करता है, देखिए फ्रेंड्स आपका मिल्टन पे करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नाइन नंबर, देखो क्वेश्चन नाइन कहता है आपका द फर्स्ट वर्सन ऑफ द पोएम रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 वॉज रिटेन ऑन टाइटल, क्या देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा द लीच गैदर्स का टाइटल हो जाएगा ऑप्शन राइट आंसर। बट फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका टेन की ओर, क्वेश्चन टेन कहता है हु हैज कॉल्ड वर्ड्सवर्थ ए मोरल यूनच, किसने कहा, सैली ने कहा था वर्ड्सवर्थ को मोरल यूनच। क्वेश्चन नंबर इलेवन की आते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन इलेवन का द लिरिकल बैलेट्स वर बेटर अप्रिसिएटेड इन अमेरिका देन इन इंग्लैंड, द फर्स्ट एडिशन पब्लिश अमेरिकन इन द ईयर कब किया गया था, 1802 में इसको पब्लिश किया गया था जो अमेरिका का था, ठीक है फर्स्ट एडिशन पब्लिश अमेरिका में कब किया गया था, 1802 में। बात है क्वेश्चन नंबर 12 की और, वर्ड्सवर्थ पब्लिश डिस्क्रिप्टिव स्केचेज एंड इवनिंग वॉक, दो चीज पब्लिश किए थे वर्ड्सवर्थ, वो कब किए थे, 1793 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बट फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 13 की और, 13 का विच विच वर्ड्सवर्थ पोएम दीज अलायंस फ्रॉम ए पार्ट ऑफ नेचर नेवर डिड बिट्रे, को धोखा नहीं देती है, वो किस पोएम में है, टिंटन ए बी में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, 14 कहता है ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, एवरी ग्रेट पोएट इज ए टीचर आर द वर्ड्स ऑफ, वर्ड किसका है, वर्ड्सवर्थ का है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15 की ओर, वर्ड्सवर्थ रॉट द प्रीलूड हाउ मेनी बुक्स, कितना बुक में लिखा गया था, 14 बुक में लिखा गया था, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कहता है फ्रेंड्स आपका टू होम इज वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रीलूड, किसने किया था,
कॉलरीज ने किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 17 की ओर फ्रेंड्स। देखिए 17 कहता है रिजिकल बैलेट्स पब्लिश अपियर्ड विथ, यहाँ दीजिए फ्रेंड्स, ये अपियर जो हुआ था ना वो आपका 4 पोएम्स था कॉलरीज का एंड 19 था वर्ड्सवर्थ का, दोनों मिला कितना हो गया 23 याद रखिएगा, 4 कॉलरीज 19 वर्ड्सवर्थ। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड वाज कंप्लीट कब किया गया था, 1805 में वर्ड्सवर्थ को कंप्लीट किया गया, पर पब्लिश पूछेगा आपको, पब्लिश किया गया था 1850 में वर्ड्सवर्थ के प्रिल्यूड को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, हु सेड द पोएट इज ए मैन टू स्पीकिंग टू मैन, किसने कहा था, तो वर्ड्सवर्थ ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कहता है हु कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ एज ए हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर, डी क्विंसी ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बढ़ते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 कहता है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द पोएम माई हर्ट लीप्स, आपका अदर नेम क्या था, देखिए द रैम्बो, क्या था, द रैम्बो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर कहता है वर्ड्सवर्थ बिगेन प्रीलूड 1898 एट द एज ऑफ डैश कंटिन्यू वर्क एंड थ्रू आउट हिज लाइफ, कितना एज था 1898 में, उनका एज था 28 जब पब्लिश किए थे, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 नंबर सी कहता है वर्ड्सवर्थ वाज नेम्ड एज पोएट लॉरेट, नाम कब दिया गया उसका, 1843 में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं 24 नंबर, 24 कहता है द प्रिल्यूड वाज रिटेन इन, ठीक है लिखा लिखा गया था, ये आपका ब्लैंक वर्स में लिखा गया था प्रिल्यूड आपका। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की और, 25 नंबर कहता है 8th बुक ऑफ प्रिल्यूड एक्सप्लेन क्या करता है, ये देखिए एक्सप्लेन करता है फ्रेंड्स लव ऑफ नेचर लीडिंग टू लव ऑफ मैन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आते हैं द अदर नेम ऑफ प्रिल्यूड इज ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, अदर नेम था ऑप्शन नंबर ए। पढ़ते हैं क्वेश्चन 27 की ओर, द प्रिल्यूड इज कंसिडर्ड एज एपिक ड्यू टू, किस कारण से था, हीरोइक पोर्ट्रेल भी सही है, पोएटिक फॉर्म, ब्लैंकमस, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आते हैं, देखिए फ्रेंड्स आपका द सेंस ऑफ जो एक्सप्रेस्ड बाय द प्रिल्यूड बुक वन इज, तो कहता है देखिए फ्रेंड्स आपका एक सेंस जो कह रहा है आपको वो किस पर कहता है, डीप कहता है, मैंने ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आते हैं 29 नंबर की ओर, टॉप 30 आ रहे हैं, द वर्ड प्रिल्यूड कम्स फ्रॉम, कहाँ से दिया गया था, देखिए मिडिल फ्रेंच से कहाँ लिया गया था, मिडिल फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर लास्ट 30 की ओर आते हैं, इन प्रिल्यूड फ्रेज थैंक्स टू द बॉथ रेफर्स थैंक्स टू द स्वीट ब्रेथ ऑफ, ये क्या होगा, हेवन, ऑप्शन नंबर बी। ओके फ्रेंड्स थैंक यू, लाइक अवश्य करेंगे, शेयर भी करेंगे, थैंक यू फ्रेंड्स।